স্যান্ডেলউড কাল্টিভেশন বা চন্দন চাষ সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক লাভজনক আধুনিক কৃষি। ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে এ বিষয়ে কিছুটা প্রচারের প্রয়োজন। প্রচারের কারণে বা চন্দন চাষের লাভজনক বিষয়গুলি সম্পর্কে কৃষকরা সচেতন না হওয়ার কারণে অনেক সময় তারা চন্দন চাষ করতে চান না। চন্দন চাষের নানান আইনি জটিলতা বা কোথায় চন্দন কাঠ বিক্রি হবে সেই বিষয়ে অসুবিধা থাকার জন্য কৃষকরা চন্দন চাষ থেকে পিছিয়ে আসেন। তো এই বিষয়ে ইনস্টিটিউট অফ উড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ট্রেনিং প্রোগ্রামে কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় গিরিরাজ সিং কি বলেছিলেন আপনারা যদি পুরো বিষয়টি শোনেন তাহলে চন্দন চাষ বিষয়ে আপনারা অর্থাৎ কৃষক বন্ধুরা অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে অবশ্যই চন্দন চাষ করতে আগ্রহী হবেন বা চন্দন চাষের যে আইনি জটিলতা কোথায় চন্দন কাঠ বিক্রি করবেন এই বিষয় সম্পর্কে অনেক ইনফরমেশান কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। তো শুনুন মাননীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের বক্তব্য। मैं इस मौके पर जो आज एक अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष के उस उत्सव में जो भारत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इस अवसर पर मैं डायरेक्टर एमपी सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ वुड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं और कर्नाटक की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने चंदन को किसानों के लिए ले जाने का काम किया सोशल फॉरेस्ट्री में। और मैं अपने विभाग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों को मनरेगा के साथ, मैं देखने भी गया था कर्नाटक के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में जहां किसानों ने 7 एकड़ मनरेगा से उसका प्लांटेशन किया था। और आने के बाद जब मैं वुड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूरा प्रेजेंटेशन देखा तो मेरे समझ में ये बातें आई, आज दुनिया को हम लीडर थे सैंडलवुड वाइल्ड में, सैंडलवुड में, लेकिन जब कर्नाटक की सरकार ने इसको सोशल फॉरेस्ट्री में लाया तब किसानों के सामने एक समस्या हुई खड़ी। उन्होंने कहा मुझे 25 साल लग जाएगा, 20 साल, अब 20 साल तक मैं कैसे इसका रख रखाव करूंगा, मेरे पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ अगर जमीन है तो। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आज जो ये कार्यक्रम आपने शुरू की है ये कार्यक्रम किसानों को 3-4-5 एंगल से उनको अवेयर करेगा। पहला अवेयर करेगा इसके बीज के नर्सरी में जो मैं खुद जा रहा हूं और कि कैसे नर्सरी लगाया जाए, जो प्रेजेंटेशन देखा उससे कुछ ज्ञान अर्जित किया हूं, आज भी कोशिश करूंगा देखने और सुनने का। दूसरा करेगा उसके रख रखाव और तीसरा करेगा कि ये किसानों के लिए लाभदायक कैसे हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर वृक्षारोपण, पौधशाला, तकनीक और ट्रेनिंग इसके माध्यम से होगा तो निश्चित है उन्हें ये भी बताया जाएगा कि दुनिया में इसका कितना उपयोग है। दुनिया में 2 तरह के सैंडलवुड की चर्चा होती है, एक इंडियन और एक ऑस्ट्रेलियन, और कई लोग भारत के अंदर आप देखते होंगे अगर चंदन का प्लांटेशन होगा
इसके कई फायदे होंगे। हैंडीक्राफ्ट में काम बढ़ेंगे, फर्नीचर सेक्टर में काम बढ़ेंगे, और ये अभी $300 मिलियन का पूरा एक तरह से वर्ल्ड का मार्केट है, जो 2027 में यानी 7-6 साल में, ये मैंने 300 मिलियन कहा पिछले साल का, और 27 में आके ये $500 मिलियन होगा। जब ये आकार बढ़ाएगा, क्या एक दिन में सैंडलवुड मैच्योर तो करेगा नहीं, ये 20 साल 25 साल 15 साल जो भी लगेगा, और इसका ग्रोथ भी, मार्केट का ग्रोथ 10% से ज्यादा, और चंदन का बेनिफिट अभी तक तो हम लोग जान रहे थे कि चंदन धार्मिक उपयोग में आते हैं, चंदन का वाइल होता सैंडलवुड वाइल जो बहुत बेशकीमती होता, और हमें तो एमपी सिंह साहब ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया था उसमें अनंत डॉक्टर अनंत ने दिखाया कि ये एक मेडिसिनल वाइल भी है, कैंसर से लड़ने की क्षमता है, केवल कैंसर से ही नहीं लड़ने की क्षमता है, ये मैंने पहले कहा इसमें ताकत है लोगों को रोजगार देने का, कोई भी पार्ट इस प्लांट का बेकार नहीं जाता है, एरोमाथेरेपी होता, फार्माच्यूटिकल में उपयोग होता, विश्व के देश जहां सबसे सैंडलवुड का मार्केट है। गुण वर्मा है, एक चार्जर देखो थोड़ा मोबाइल के, वह यूएस चीन ऐसे प्रदेशों में, देशों में जापान भारत और विश्व में ट्रेड रिसर्च के अनुसार 2040 तक चंदन का मार्केट करीबन $3 बिलियन होगा, यानी अगर हम अभी से चंदन का प्लांटेशन करें तो 2040 में भारत ग्लोबल लीडर होगा। ये तो चंदन तेल और चंदन का है, लेकिन जब हमें बताया गया कि दिया मिठू मा साल या थोड़ा चार्जर भी होता, भाई भाई देखिए जो बोल रहे हैं चार्जर दीजिए, कृपया अपना म्यूट कर लीजिए, तब ये सब चार्जर मांगिए अपने परिवार से, अय्या ऐसे कार्यक्रम में भागीदार मत बने। तो जो मुझे डॉक्टर चंद्रशेखर ने प्रेजेंटेशन दिया, ये 20 साल तक किसानों को जरूरत नहीं है इंतजार करने का, 25 साल 15 साल के बाद तक ये तीसरे साल से किसानों को पैसा देने लगेगा। अगर मैं इसको एवरेज निकालूंगा तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया केवल बीज और से होगा, क्योंकि बीज के तेल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कॉस्मेटिक के दुनिया में, मेडिसिन के दुनिया में इसका कितना महत्व है। और ऐसी स्थिति में भारत में चंदन की खेती 70% कल्टीवेशन अभी कर्नाटक में होता है, जिसका ज्यादातर ट्रेड कर्नाटक सॉप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के साथ होता। ये आंकड़े सही हैं गलत हैं मैं नहीं कह सकता, मेरे पास 2-3 तरह के आंकड़े हैं। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के पास 9000 हेक्टर सैंडलवुड प्लांटेशन था, अभी मुझे एक आंकड़ा मिला है 15000 हेक्टर का, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भारत में 20000 हेक्टर में सैंडलवुड की खेती होती थी, मगर 2020 में भारत प्लांटेशन 26000 हेक्टर तक पहुंचा, लेकिन मेरे पास
पास एक आंकड़ा है डॉक्टर चंद्रशेखर का, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया 1,60,000 एकड़ हैज बीन कल्टीवेटेड एंड इट इज इंक्रीज 10% एवरी ईयर। और मैं मानता हूं कि ये डे बाय डे किसानों के आमदनी को बढ़ाने में जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना 3 गुना, इसमें बीच में चाहे कर्नाटक जैसे राज्य में अगर हम शहरी कल्चर को बढ़ावा दें, शहरी कल्चर के लिए प्लांटेशन करें, अगर मोरिंगा के साथ किसानों ने की थी तो बीच में भी करें, उससे फायदे होंगे। और कई ऐसे ट्यूबर होंगे ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ मिलकर के इस पर काम करने की जरूरत है कि एक तरफ हमें उनके फल और फूल फल से पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये पौधा परजीवी है, पैरासाइट प्लांट, ये दूसरे के द्वारा खाना लेता है, ऐसा साइंटिस्टों ने मुझे बताया। तो जब दूसरे के द्वारा खाना लेता है तो हम बीच में जरूर ऐसे प्लांटेशन करें जो उनको खाना भी मिले, हमें भी पैसा आए। और विश्व ट्रेड में हम ऑस्ट्रेलिया को पीछा छोड़ सके और किसानों की आमदनी तीसरे साल कौन कहे। मैं तो कहता हूं कि जब हम इसके बीच में कोई खेती करेंगे उससे भी पैसा आएगा, चाहे टर्मरिक का, हल्दी का करें, जिंजर अदरक का करें, या और कोई ऐसे ट्यूबर का प्लांट का करें। ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से पूछना होता है, क्योंकि मुझे साइंटिस्टों ने बताया कि लेमन के ट्री को अगर आप लगाएंगे तो लेमन के ट्री को वो सुखा देगा, लेकिन मोरिंगा का ट्री मैंने देखा कि हो रहा था। फिर मैं आपसे कहूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ फूड रिसर्च टेक्नोलॉजी के लीडरशिप में हमें ग्रोइंग स्टेट में सेंट्रल टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसान, मेरे एक अधिकारी ने कहा, राजस्थान के वो रहने वाले हैं, कि एक व्यक्ति बिना समाज का, उसका बेटा कर्नाटक में काम करता था, कुछ सीड लेकर के आया और उसने गड्ढे खान करके सीड को लगा दिया बारिश के पहले, और बारिश के बाद उसे गिनती नहीं है कि 45 दिन में वो जर्मिनेट किया, 45 डेज और 60 डेज, लेकिन प्लांट हो गया। अब उसके पेड़ के नीचे जो प्लांट गिर रहे हैं 7-8 साल से है, वो गांव के लोगों को दे रहा है। तो ये अब जब पूरे देश के अंदर होगा, मुझे तो पहले किसी ने कहा, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के बंगले से काट लिया, किसी कर्नाटक के डीएम के बंगले से काट लिया। ये काटने का काम तब होता है जब उसकी अवेबिलिटी कम होती है। अगर 1-2 लाख हेक्टर में खेती होने लगेगी कर्नाटक जैसे राज्य में, और देश भी उसका अनुकरण करेगा, तो हम केवल मेडिसिनल वैल्यू के साथ इसका उपयोग भी बढ़ेगा। अभी तक तो सैंडलवुड का ज्यादा यूज वाइल्ड का तेल का होते रहा प्रेगनेंस में, लेकिन अब फार्मास्यूटिकल में भी हो रहा है। इसके मल्टी डायमेंशन है इसके यूज का। मैं समझता हूं यस, जब इनोवेशन सेंटर स्थापित करेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर जोर देंगे, एक सेंटर में दिखेगा कि प्लांटेशन कैसे हो रहा है। वो दूसरे तरफ टिश्यू कल्चर पर भी काम कर रहा है इंस्टीट्यूट, आने वाले दिनों में उसका भी फायदा किसान को मिलेगा। फिर वो हार्ट रूट में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जैसा मुझे दिखाया गया, उसका भी फायदा मिलेगा कि जब 20 साल पर 25 साल या जब भी काटे, लेकिन डे ओल्ड से एक डेमो प्रोजेक्ट अगर इन्होंने छोटा सा रखा कि तेल निकल रहा है,
अब मैं पढ़ रहा था ऑस्ट्रेलिया का एक जर्नल जिसमें कह रहा था 40 डिग्री टेम्परेचर पर एयर टाइट रखा जाए तो एक साल तक तेल खराब नहीं होगा, उसके बाद इस तेल को खराब होने का चांसेस रहता है। कई ऐसे तत्व हैं जिस पर अभी काम करने की जरूरत है। तो जब इनोवेशन सेंटर होगा वहां किसान आएगा, अगर कोल्ड प्रेशर से तेल निकालने का एक छोटा सा टेक्नोलॉजी होगा, अभी देश के अंदर में वो टेक्नोलॉजी बड़ा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है कोल्ड टेक्नोलॉजी, तो वो वहां एक छोटा सा टेक्नोलॉजी, एकदम छोटा सा टेक्नोलॉजी, किसान अपने सीड को लाएंगे वहां तेल निकालेंगे उसके बायर से जोड़ दिया जाए, तो बायर से जुट गया तो तेल से आने लगा। सैंडलवुड जो हार्ट वुड है उसको डेवलप करने की टेक्नोलॉजी का एक फिल्म वहां पर दिखाने की योजना हो, यानी नर्सरी से लेकर के हार्ट वुड को डेवलप करने से लेकर के सीड वाइल को निकालने से लेकर के जो चंदन सैंडलवुड सोसाइटी ने मुझे तेल छोटा सा दिया और एक क्रीम दिया, तो वो भी एक स्टॉल हो कि देखिए ये भी एक काम है। अगर हम ये करते गए तो मैं समझता हूं यह सेंट्रल ग्रामीण क्षेत्र के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में ट्राइबल एरिया में मजबूती से मार्केट लिंकेज में मदद करेगा, क्योंकि इसके प्रति कई भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये भ्रांतियां मैं पहले ही कह चुका कि ये हम लगाएंगे तो हमारे सेकेंड जनरेशन इसका फायदा उठाएगा, नहीं, ये लगाना चाहिए कि आज लगाए हैं तो अगले साल से इंटरक्रॉपिंग से हमें फायदा होने लगेगा, ये दिखाने का जरूरत है। वैल्यू एडिशन पर ट्रेनिंग होगा, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ा नई कल्टीवेशन तकनीक हमें युवा उद्यमियों तक पहुंचाना होगा, और ट्राइबल क्षेत्रों में राज्य सरकारों के साथ इसको बात करनी होगी कि आप जंगलों में इसे प्रमोट करें, हैबिटेशन जो वहां आदिवासी लोग रहते हैं उनके साथ जोड़ दिया जाए जो उसका देखभाल करेंगे। चंदन का मेडिसिनल बेनिफिट है जो मैंने पहले ही कहा कि आप ही ने मुझे पहली बार दिखाया था एमपी सिंह साहब, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। नॉन टॉक्सिक है, एंटी कैंसर है। अगर जिस दिन डॉक्टर अनंत ने कहा कि मैंने अपने जिहुआ पर रखा पोस्ट्रेट में मेरा कैंसर था ठीक हुआ, हो सकता है और कोई कैंसर के लोग इसका उपयोग करें तो और प्रचारित होगा। एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक भी है, मिला जुला करके ये मल्टी डायमेंशन में इसका उपयोग है। ये लोग जब कैंसर होता है वही पीड़ा जानेगा जिसके परिवार में कोई कैंसर हुआ है या जिसने देखा है। केमोथेरेपी जब होता है उसको कितना कष्ट होता है, उसमें ये काम करेगा, उसके सेल को दबाता है, ब्लॉक करता है। स्किन और ओरल कैंसर के लिए उपयोग होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में दिखाया गया कि इसका उपयोग है, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, आप ही के यहाँ ज्यादा मुझे देखने को मिला है। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया का कुछ जर्नल पढ़ा, मैं आपसे कहूंगा कि एक इनोवेशन हो या तो एक टेक्नोलॉजी आधारित फिल्म चलते रहे प्लांटेशन से लेकर के सैंडलवुड हार्ट वुड उसके वाइल और सीड के वाइल प्रयोग का एक फुल चैन एंड टू एंड, और फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक इसके पत्ती के प्रयोग से लेकर के इसके एक एक वुड सा प्रयोग लेकर सीड सबको दिखाने का काम करें। और मैं समझता हूं आप ही इसके लिए उपयुक्त संस्थान है और आप ही की विश्वसनीयता है और आप ही के राज में कभी इसके बड़े तस्करों के नाम से चंदन को लोग जानने का काम किया
अब किसानों की खुशहाली के नाम से जनाने का काम करें। अगर कर्नाटक में ही पूरा जग गया तो पूरा देश उसका अनुकरण करेगा। लोगों में एक कंफ्यूजन है कि अगर ज्यादा कल्टीवेशन हो जाएगा तो ये कहीं मार्केटिंग प्रॉब्लम हो जाए, इसको भी एक फिगर दिखाना होगा कि नहीं, ये देश के अंदर में जो अभी डिमांड है, दुनिया के अंदर डिमांड है, ये हम 2040 तक कह रहे हैं, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये भी आपको उस इनोवेशन एक सेंटर होगा उसमें करें, ये मेरा आग्रह है। इन्हीं प्रार्थना के साथ जितने किसान भाई जुड़े हैं उनको कहूंगा आप जरूर आगे बढ़कर के इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े और प्लांटेशन करें, डे वन से आप इसका फायदा लें। और वैज्ञानिकों से कहूंगा आपने भारत को एक अग्रणी राष्ट्र बनाने में एक अहम भूमिका निभाने का काम चंदन के साथ किया है। इसके लिए फिर अंत में मैं इंस्टीट्यूट के सारे कर्मचारी साइंटिस्ट को धन्यवाद देता और डायरेक्टर MP सिंह साहब को कोटिशा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।